वर्तमान के पलों में रहना, अंतस्थ ध्यान जागृति की एक कला है। वास्तव में ध्यान में हम अपनी सच्ची क्षमता का एहसास करते हैं और उसके बाद हम उसे टोटल अवेयरनेस के लिए उपयोग करते हैं। आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। सांसों पर अपने ध्यान को रखते हुए सभी विचारों को न्यूट्रल होकर देखें। इस दौरान कोई भी विचार आपके दिमाग में आ सकता है। कुछ लोग शरीर में संवेदनाओं का अनुभव करेंगे, ये शुरुआती चरण है, इसीलिए सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दिमाग को खाली होने तक विचारों को न्यूट्रल देखने का प्रयास करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपना दिमाग खाली कैसे करेंगे। ध्यान के शुरुआती के दो चरण, दो प्रकार के सांस पैटर्न होते हैं। पैटर्न ए, यानी पूरी जागरूकता के साथ सांस को बार बार लिया जाए। पैटर्न बी, सामान्य श्वास, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब श्वास तुम नहीं ले रहे, बल्कि श्वास शरीर ले रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं और आप कुछ समय बाद ही भीतर का आनंद महसूस करेंगे। ये आनंद ही करुणा है, प्रेम है। इसी प्रेममय स्थिति पर जागरूकता लाएं, आत्मसमर्पण कर दें, करुणा के साथ स्वयं को विलय करें और कुछ भी नहीं सोचे, बस भीतर ही भीतर आनंद की स्थिति बनी रहे। अपने आप को इतना विलय करें कि आपको समय ही भूल जाए। प्रेम के साथ स्वयं का विलय करें। सांस पर अपनी जागरूकता बनाए रखें, जो भी दिखाई दे रहा है उसे अनदेखा करें। हालांकि शरीर में कोई ना कोई संवेदना पैदा होगी, उसे भी अनदेखा कर सांस पर अपने ध्यान को पुनः पुनः लाएं, जब तक सारा भीतर खाली ना हो जाए। ध्यान रखना, खाली दिमाग में 16 लेयर्स हैं जो कार्मिक चेतना से अवरुद्ध होती हैं, और हम उन पर हमारी जागरूकता लाने के द्वारा खालीपन की परत से इस कार्मिक चेतना को हटा सकते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो खाली बैठकर तमाम भीतर को खाली कर लेना। अंत में किसी भी लगाव से अलग रहें। इस तरह एक दिन आप सभी कर्म चेतना को हटाकर अल्टीमेट फ्रीडम प्राप्त करेंगे। यही है ध्यान का अंतिम चरण। इसी ध्यान को हम भगवद गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। पहला शंख अहंकार ने फूका, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख फूके। ये सब प्रतीकात्मक बातें चल रही हैं, लेकिन ध्यान मार्ग के गूढ़तम रहस्य इसी में छिपे हैं। यही सत्य है, ऐसा तुम्हें भी विश्वास हो जाए। पहले अहंकार ने शंख बजाया, उसके बाद श्री कृष्ण निरंतर तुम्हें अपने अनुभव की ओर बुला रहे हैं, और फिर विचारशीलता ने शंख बजाया। विचारशीलता के शंख बजाने के बाद जो सबसे पहले घटना घटित होते हैं वो है सविकल्प समाधि, और उसके बाद निर्विकल्प समाधि। समाधि से पहले एक शब्द को अच्छी तरह और समझ लें, ध्यान यानी अप्रभावित मनस्थिति। अर्जुन किसका प्रतीक है? विचारशीलता का। यानी जब श्री कृष्ण के सारथी पने में, यानी भगवान कृष्ण को समर्पण करने के बाद
विचारशीलता जब आगे बढ़ती है तो जो सबसे पहले प्रकटती है वो है सविकल्प समाधि। इस सविकल्प समाधि के चार भेद हैं। पहला है सवितर्क समाधि। जब ये समाधि लगती है तो साधक को अपने भीतर अनुभव होते हैं, लेकिन साथ ही साधक को अपने अनुभव पर शंका भी होती है। कुछ लोग ध्यान में ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सो गए। हालांकि अभी शून्य की स्थिति में प्रवेश चल रहा है, लेकिन उन्हें शंका है कि वे सो गए, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। जब ऐसा अनुभव होता है तो समझ लेना सविकल्प समाधि तुम्हारी निर्विकल्पता तक ले जाने का ही रास्ता है कि कम से कम तुम्हें शंका तो हुई, ऐसा अनुभव हुआ। यानी अनुभव के साथ साथ शंकाशील होना, यह सविकल्प समाधि। दूसरी समाधि है सविचार समाधि। इस समाधि में साधक को अपने अनुभव के ऊपर शंका नहीं होती, लेकिन साधक को लाइट लाइट फील होता है कि यही अनुभव मुझे मेरे आत्मभन अनुभव से मिलाने का मार्ग बनेगा। उसे स्वयं किसी से पूछने जाना नहीं पड़ता कि राइट अनुभव है या रॉन्ग है, ये होता है कि नहीं। उसे अंदर से ही अंतर से ही अपने ऊपर विश्वास आने लगता है। जबकि पहली समाधि में शंका थी, भगवान के ऊपर नहीं, कर्मों के ऊपर नहीं, बल्कि जो अनुभव हो रहा है उसके ऊपर। हालांकि आत्मिक स्थिति है, लेकिन जीव की स्थिति अभी वहां तक नहीं पहुंची है, इसीलिए उसे शंका होती है। लेकिन दूसरे में शंका नहीं बल्कि विश्वास होने लगता है कि यही मेरा मार्गदर्शन करेगा, और यहीं से उसे परम गुरु के दर्शन होते हैं। क्योंकि यहां साधक का विश्वास होता है, इसीलिए साधक के अंदर तेजी से गुण विकास का कार्य शुरू हो जाता है। नहीं तो बाहर से आप जितने मर्जी गुण विकास कर लो, लेकिन जब तक अंतस में इस प्रकार की समाधि नहीं लगती, आंतरिक गुण विकास नहीं होता। अब उसे भीतर से ही चुप रहने का मन करता है। ये जो शांति है, मौन है, आनंद है, ये सविचार समाधि। आनंद की स्थिति आई क्या? तीसरा है सआनंद समाधि। सविकल्प समाधि के तीसरे पड़ाव में जाकर तुम्हें आनंद आना शुरू होता है। अभी जो आनंद आ रहा है वह नहीं। यदि आनंद का कारण बाहर है कि पहाड़ों पर जाकर ही आनंद मिलेगा, ये तो पुद्गल का आनंद है। आनंद तो तुम्हारी निरंतरता की स्थिति को कहते हैं। अगर तुम्हें पहाड़ों पर आनंद आया, फिर वो चला भी गया, यानी वो आनंद तुम्हारे अंतस का नहीं था। लेकिन जब आत्मा के प्रभाव में जीव और गहरा उतरता है तो एक्चुअल आनंद की स्थिति प्रकट होती है। इस आनंद के कारण भेद गिरने लगते हैं। उसे लगता है सब में ईश्वर है। जब तुम आनंद में होते हो और खुश होकर कुछ बांटते हो, तो क्या तुम भेदभाव करते हो कि कुछ को ज्यादा कुछ को कम? यानी जब समाधि का ये चरण आएगा तो भीतर से ही भेद गिर जाएंगे। उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि सभी जगह परमात्मा के हस्ताक्षर हैं, इसी समाधि का परिणाम है। तुम्हारी पहली मुलाकात आनंद से होती है, आत्मिक आनंद, और उसके बाद तुम्हारा निर्णय दृढ़ हो जाएगा कि सब में ईश्वर है। ये उसका परिणाम है, ये जीव का वेदन है।
आनंदित अवस्था। उसके बाद है स अस्मिता समाधि, स प्लस अस्मिता। पहली वाली समाधि में भेद गिरे हैं, लेकिन इस समाधि में साधक को अनुभव होता है मैं और ईश्वर एक है। जैसा ईश्वर का अस्तित्व है वैसा ही मेरा। तुम्हारी जितनी भी अस्मिता थी, जितने भी अहंकार थे, हर प्रकार का अहंकार गिर गया और तुम्हें लगा कि तुम और ईश्वर एक हो। यह समाधि का चौथा चरण। इसी सविकल्प समाधि के बाद जीव प्रवेश करता है निर्विकल्प समाधि में। ये क्या है? निर्विकल्प समाधि का अनुभव है कि मैं ही ईश्वर हूं, और इस अनुभव तक साधक पहुंच जाता है। आत्म बने परमात्मा, नर बने नारायण। बस नर को नारायण बनाना है। मैं नारायण जैसा हूं, ये तो दो रहे, लेकिन जब निर्विकल्प समाधि में प्रवेश किया जाता है तो नर और नारायण की मैत्री हो जाती है। तुम चाहो तो नर कह लो, तुम चाहो तो नारायण कह लो। अब जो घटना घटती है उसमें द्वैत नहीं, अद्वैत घटता है। भेद मिट गया, दोनों एक हो गए। यह है निर्विकल्प समाधि। विचार से विचारशीलता में आना होगा, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि तक आना होगा। अब आ जाओ, भगवत गीता क्या कहना चाहती है इस बारे में, इसके लिए अगले भाग तक पलों में, इंतजार के पलों में, अंतस्तारा में।